नमस्कार वंदे मातरम साथियों, मैं अतुल दुबे और इस वक्त मैं आया हूँ प्रतापगढ़ पट्टी तहसील में भदौना गांव ना चाचा जी, भदौना गांव में। और एक फौजी जो देश की सेवा करते थे, और एक दिमाग में ख्याल आया कि अब कुछ मातृभूमि के लिए किसानों के लिए कुछ किया जाए, और नौकरी छोड़ यहाँ आए हैं और भदौना गांव में एक अनोखा पहल शुरू किया, अनोखी खेती। प्रतापगढ़ पट्टी जाना जाता है आंवले के लिए, और आंवले में चंदन का जो है यहाँ पर जो स्वाद है, चंदन का स्मेल महक बरसा रहे हैं, और इसका लाभ पूरे देश में बहुत सारे किसान ले रहे हैं। सिर्फ चंदन ही नहीं, यहाँ पर हल्दी की खेती है, कई प्रकार की हल्दियाँ, काली हल्दी है, इसके बाद पीली हल्दी है, और पूरी तरह से ऑर्गेनिक की जाती है। तो मैं छोटा सा परिचय भी ये था, और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है चंदन की खेती बड़े लेवल पे, कम से कम हजार कितने पौधे लगाए होंगे चाचा जी, 1500 पौधे यहाँ पर हल्दी, क्षमा करिए 1500 पौधे लगे हुए हैं चंदन के। और यहाँ से चंदन का बीज पौधा, अगर किसी को भी पूरे भारत में किसी को भी सफ़ेद चंदन का पौधा चाहिए, तो यहाँ से उत्कृष्ट पांडे जी, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में उनका फोटो है, अभी है नहीं भाई साहब, वो कहीं बाहर गए हैं, अगली बार ज़रूर उनसे मुलाकात होगी। और मैं और दुबे जी वाराणसी से आए हैं, यहाँ पे फार्म का नाम है मार्सिलोन एग्रो फार्म, आप देख सकते हैं बोर्ड, और यहाँ पर हम आए हैं इस फार्म में बैठे हुए। बड़ा ही आनंद आ रहा है ये देख के कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ खेती रचनात्मक खेती के नाम पे ऑलमोस्ट जीरो है, कुछ भी नहीं है हो रहा है, वहाँ पर दक्षिण भारत का जो चंदन है, जो दक्षिण भारत चंदन के लिए बहुत जाना जाता है, वहाँ का चंदन आज हमारे पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, जो भी साथी चंदन की खेती करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। काली हल्दी का अगर बीज आपको चाहिए, और क्या क्या बीज आप देते हैं हल्दियों में, काली है, पीली है, सफ़ेद है, काली पीली सफ़ेद हल्दी पूरी तरह ऑर्गेनिक, हाई करक्यूमिन के साथ आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसका बीज चाहते हैं, या आप उत्कृष्ट पांडे जी से बात करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, मार्केटिंग में भी आपको सहयोग किया जाएगा, बस आप करने के लिए तैयार हो जाइए। और कैमरामैन भाई से हम थोड़ा सा इशारा करेंगे, भाई आप उधर जरा दिखा दीजिए यहाँ पर किस तरीके से, कितने साल का पौधा है चाचा जी ये जो आपके पीछे है, ये सब, ये तो 2 साल, ये 2 साल का, वो जो दिख रहा है दूर वाला 4.5 साल, यानी कि 2 साल से 4 साल के पौधे यहाँ पर हैं चंदन के, भी मजबूत हैं, और ऐसे तो 15 साल, इधर भी पौधे हैं हमारे कुछ, एक मिनट चाचा जी, यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट है, सेब का है, लीची है, अंजीर है, दशहरी आम, आम की कई वैरायटी है, आम्रपाली है, दशहरी है, लंगड़ा है, बरगद है, तो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है, काम कर रहे हैं यहाँ पर। और एक उदाहरण है चंदन की खेती का, खास करके चंदन में एक्सपर्ट हैं, और देखिए हर जगह जगह यहाँ चंदन का आपको पेड़ मिलेगा, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई नर्सरी है, और एक बहुत बेहतरीन है। और हमारे साथ आज आए हैं वाराणसी से, जैसा कि हमने वीडियो में बताया, ये कितने साल का है चाचा जी, ये 3 साल का है, 3 साल का, ये देखिए ये चंदन है साथियों। और हमारे साथ वेलिका इंडस्ट्री के दुबे जी हैं, वेलिका पेंट की फैक्ट्री है वाराणसी में, उसके उस पर भी हम कभी आपको डिटेल बताएंगे। तो 3 साल का ग्रोथ कम नहीं, आम के अलग अलग प्रजाति यहाँ पे मिलेंगे, तो यह 3-4-5 बीघे में एक अच्छा सेटअप तैयार है, और बहुत एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छी कमाई हो सकती है उसके ऊपर। मैं अगली बार जब उत्कृष्ट पांडे जी से मिलने आऊँगा तो एक बढ़िया डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे इसकी खेती करनी है,
कैसे इसको उगाना है, बेचना है, क्या इसकी खासियत है, वो सारी बातों को हम डिटेल में बताएंगे। उत्कृष्ट पांडे जी के पिताजी हैं जो हम लोग को आज एक कड़कड़ाती धूप में ये सारी जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी रखा हुआ है, और यहाँ पे हल्दी, ये देखिए हल्दी यहाँ पर है, ब्लैक हल्दी है, सफ़ेद हल्दी है, पीली हल्दी है, और सब ऑर्गेनिक। सबसे बड़ी बात है सारी चीज़ ऑर्गेनिक है। रुद्राक्ष कहाँ पर है? वो सामने, ये देखिए हरा रंग का। अच्छा, वो रुद्राक्ष है। ये छोटी इलायची, कौन सा ये? हाँ जी, छोटी इलायची। तो छोटी इलायची है। स्वर्ण रेखा क्या आम कब फड़ेगा इसमें? इलायची कितने साल बाद? जाम फल तो हम ज्यादातर पहाड़ी एरिया में देखते हैं क्या? लेकिन आप देखिए यहाँ भी देखा, हाँ फल आ गया, बढ़िया। इतनी बड़े बड़े होंगे। स्वर्ण रेखा आम जानते हैं, इसके फूल पे वो आपका वो डाल देंगे ना, तो जाम फल एकदम अपने लेन पे आ जाएगा। ये क्या है जी? आम है, आम। ये कैसा पत्ता हो गया? ये ऐसा है? हाँ, वो अलग वैरायटी, पहाड़ी लग रहा है। जाम फल ये है भैया। हाँ, स्वर्ण रेखा उसको बोलते हैं आम को। ये क्या है? चंदन ही है। अच्छा, चंदन का इधर भी नर्सरी है। देखिए पौधे रखे गए, इनको जैसे सप्लाई जाती है, तो ये देखिए अभी ये चंदन बोया गया। अच्छा, ये चंदन का बीज इसमें डाला गया है? हाँ, ये देखिए जमाया। अच्छा, मतलब ये बीज को निकाल के फिर इसमें थैली में डालेंगे। बहुत बढ़िया, तो मतलब बेहतरीन काम हो रहा है चंदन पे। और एक बोलते ना साइड इनकम जैसा ये हो सकता है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट 12-15 साल के लिए अगर किसान कर देते अपने खेत के मेड़ पर किनारे पे लगा दिया तो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये काम आपको गिफ्ट करेंगे। बच्चा जो पैदा हो उसको बना के गिफ्ट कर दीजिए, वो अपने बच्चों को देगा। चंदन रोपे जाएंगे। अच्छा, इसमें लगाएंगे तो भी ये जो है मर गए ये सब, समझ लीजिए। अच्छा, तो बहुत होती है तैयार करने में। अब देखिए ये देखिए, अगर ये तैयार होते ना, ये देखिए इतने बड़े बड़े होते ये। अच्छा, हाँ, मतलब ये सब मर गए। अपलोड हो जाएगा तो आप भेजिएगा, लिंक भेजेंगे। लिंक अपने आप दिया जाता है। हाँ, एक बार देख लेंगे तो YouTube बराबर भेजता है। दोनों बेसन वैली का भी हमने किया इसको, हमारे मेरा जो पर्सनल उसने भी करा। चंदन के बड़े पौधे लगे हुए तो ये है हमारे पीछे चंदन का नर्सरी, इधर है। अरे इधर भैया। हाँ, अच्छा ये क्या है चाचा जी? ये भी चंदन ही है ना? सब चंदन। वो चंदन है। हाँ, और ये है इसको क्या बोलते हैं, नहीं महोगनी। हाँ, समझ गया क्या होता है। महोगनी भी महंगा, वो भी 10-12 साल वाला है, 15 साल वाला। और इस वक्त हम हैं यहाँ पर फार्म पर, ऑर्गेनिक खाद उद बनाते हैं। कह रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही आएंगे, इनके बेटे आएंगे ना, तो उन्हीं से चर्चा करेंगे उस पर। अरे एकदम बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया है इनके लिए। ये देखिए कौन सा, ये लाल चंदन है? ये गोल, जो गोल पत्ती वाला। अच्छा, गोल पत्ती और लाल चंदन है। ये सब जो है तो देखिए ये सब 120 वाले हैं। अच्छा, ये सफेद चंदन है। लाल, बढ़िया। लाल चंदन कैसे कैसे है? यही तो सब का रेट वही है, 120 रुपए। लाल चंदन सफल हो जाएगा यहाँ पर? सफल होता है लगता है, उसको कोई वो नहीं चाहिए, वो रूट पैरासाइट नहीं है वो। अच्छा, लेकिन बहुत लंबा टर्म है वो, कहो बहुत उसको बड़ा कम यूज में जाता है। ये देखिए ब्लैक टर्मरिक लगी है, काली हल्दी है। ये काली हल्दी कितना सिस्टम से बना है? ड्रिप गोमूत्र वगैरह हमको छिड़कना हुआ, ड्रिप इरिगेशन वगैरह इसी में डाल के पूरी मोटर चला दी गई, फिर इसी में थोड़ा थोड़ा पानी पूरे छिड़काव कर दिया। सिस्टम भी पूरा लगाया है, ऐसा नहीं है। बेहतरीन है। और हम सब आप सभी को आमंत्रित करेंगे कि एक बार आप प्रतापगढ़ पट्टी जरूर आइए और यहाँ फार्म पर आकर देखिए। और
इस मुहिम को आगे बढ़ाइए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।